अब देखो ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। क्या बात है सर? क्या हुआ कि मैंने इस वीडियो को पहले रिकॉर्ड किया था, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद मैंने ये नहीं चेक किया कि मेरे मतलब मैंने माइक यूज कर रहा हूँ या फिर नहीं। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। मतलब ये जो मैंने माइक यहाँ पे मैंने खोज दिया था, ठीक है, बढ़िया। मैंने ईयरफोन को ही नहीं खोसा था फोन में, तो मेरा जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो नहीं था और मेरा मतलब पूरा वॉइस ऐसे ही रह गया, मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने पूरा मेहनत कर पूरा एक्सप्लेन ऐसे करके कर दिया बट वॉइस ही नहीं है, तो क्या मतलब निवास। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप लोग किस टाइप से बना सकते हो अपने फोन से बिना सीएससी सेंटर जाए, बिना किसी साइबर कैफे, बिना आपको मार्केट में जाए, खुद से ऑनलाइन बना सकते हो सिर्फ पंद्रह रुपये में। अगर आप लोग साइबर कैफे या फिर कहीं भी जाते हो तो आपको 250-300 ऐसे चार्ज लेते हैं, मतलब ये तो सिटी के हिसाब से हुआ, बट सिर्फ आप लोग 15 रुपये में बना सकते हो आय जाति निवास। तो हम इस वीडियो में आपको बताऊंगे कि आप लोग किस टाइप से आय बना सकते हो। सभी का जो प्रोसेसर सेम ही होता है, आय हो जाति हो निवास का, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा आय आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली इसके लिए आपको ये वेबसाइट सर्च करना होगा और सर्च करने के बाद एक चीज़ और आप लोग कर लो। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो देखो वीडियो को लाइक करो। इसमें मेरे भाई थोड़ा भी कंजूसी मत करो, नाराता चला है, ठीक है। मतलब नाराज़ में तो कुछ तो बेटर कर दो। अब यहाँ पे इस वीडियो को लाइक करो, लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन कर दो प्रेस। अब ये सभी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे इस वेबसाइट पे आप जाओ, सिंपली इसको सर्च करो। सर्च करने के बाद इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें एक मतलब इसमें जो है कि अपना यूजर्स नेम क्रिएट करना होता है। जैसे हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें यूजर्स नेम क्रिएट करना होता है। तो आप लोग उसमें जाकर सिंपली कर सकते हो, तो आप लोग कर ही सकते हो। बट अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो सिंपली कमेंट बॉक्स मैंने खोला है, मतलब कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप लोग जाओ जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ हमको ये भी जानना है कि हम लोग कैसे यूजर्स नेम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अब मान लेते हैं यूजर्स नेम अब आपने क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड दिखेगा। अब इसके बाद हम लोग तुरंत से अपने फ़ोन के स्क्रीन पे चलेंगे और हम लोग सब कुछ देखेंगे पूरा लाइव, ठीक है। तो चलिए अपने फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं। अब देखो हम लोग लॉगिन करके जैसे ही इस पोर्टल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सेवा शुल्क भुगतान, रसीद, प्रतिलिपि, निरस्तित आवेदन, कुल लंबित आवेदन, काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र, सेवा, जाति प्रमाण पत्र, हिंदी, इंग्लिश, आय, जाति, निवास, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। दिव्यांग और हैसियत प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, मतलब काफ़ी सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग मतलब काफ़ी सारे प्रमाण पत्र बना सकते हैं इस वेबसाइट से। अगर आप लोगों ने अभी तक लॉगिन करना नहीं सीखा तो मैं एक बार फिर से बोलूँगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो लॉगिन के लिए। मैं अगली वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग लॉगिन करना भी सीख जाओगे और साथ में आप लोग आईडी क्रिएट करना भी सीख जाओगे। तो यहाँ पे मैंने पूरा मतलब लॉगिन वगैरह सब कुछ कर लिया। यहाँ पे हम लोग मेन पेज पर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नॉर्मल निवास प्रमाण पत्र पर, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फॉर्म टाइप से देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको भरना होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, ठीक है, हिंदी में डालना, मतलब जिसका आप बना रहे हो उसका नाम हिंदी में डालो। उसके बाद यहाँ पे आपको वही नेम मतलब इंग्लिश में डालना है, तो आपको उनका नाम जिसका आप बना रहे हो उसका इंग्लिश में नाम डाल दो। उसके बाद उनके पति या फिर पिता जो भी है, अगर आप मतलब वाइफ हैं तो उनके पति का नाम आपके रहेगा, अगर आपके मतलब आपके फादर वगैरह हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने पापा का नाम डाल दें। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम डालना है। फिर नीचे आना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जन्मतिथि, यहाँ पे आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ से चूज करके डाल देना है। अब यहाँ पे जन्मतिथि डालने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा जन्म का स्थान, तो आप चाहो तो डालो या फिर चाहो तो आप ना डालो, ठीक है, ये आप मतलब मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे पता में, तो यहाँ पे आपको मकान नंबर, अगर आप लोग गांव वगैरह से हैं तो यहाँ पे आपको मकान नंबर तो पता ही नहीं होगा क्योंकि गांव में मकान नंबर होता ही नहीं है, ठीक है, हम लोग को लोग मतलब जानते हैं ऐसे ही, समझ रहे हो बात। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मकान नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग मोहल्ला डाल सकते हो, तो यहाँ पे मोहल्ला में आप पोस्ट डाल सकते हो, जो भी आपका पोस्ट है। यहाँ पे मेरे यहाँ पे मेरा पोस्ट खंजादीपुर है, तो अभी मैंने डाला। उसके बाद यहाँ पे जनपद ऑटोमेटिक से ले लेगा, ठीक है, पोस्ट डालने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील चुना है आपके एरिया का कौन सा तहसील है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना तहसील चुनना है। और ऊपर एक चीज़ आपको मैंने बताना भूल ही गया कि यहाँ पे आप ग्रामीण होता है, यहाँ पे आपको ग्रामीण के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अगर आप लोग मतलब शहर से हैं, नगर से हैं, तो आपको नगरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रामीण थे इसलिए हमने ग्रामीण पे क्लिक किया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा तहसील के बाद थाना, ठीक है, थाना पे क्लिक करो। आप जिस भी थाने मतलब आपका थाना जहाँ भी है यहाँ पे आपको उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जहाँ भी थाना है उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ग्राम पे क्लिक करना है, आपके गांव मतलब आपका गांव वगैरह सब कुछ, आपके एरिया गांव सब कुछ यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना गांव यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो हम लोग सबसे पहले अपना गांव का नाम यहाँ पे ढूंढेंगे, इसमें आपको सभी मतलब पूरे जिले का गाँव का नाम यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढना है, यहाँ पे अपना गाँव का नाम यहाँ पे ढूंढ कर मतलब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो अभी मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद नीचे आना है, आपसे पूछेगा प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, मतलब कि आप अपना प्रमाण पत्र क्यों बना रहे हैं।
यहाँ पे अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे आप लोग डाल दो स्कॉलरशिप फॉर्म, ठीक है। अगर आप मतलब किसी अन्य कार्य की वजह से, मतलब किसी और कारणवश बना रहे हैं, तो यहाँ आपको रीजन डालना होता है, ठीक है। आप डालने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र आपने बनाया था, तो आप लोग का अगर पहले बना भी था फिर भी यहाँ पे आपको नहीं डाला है, क्योंकि अगर आप पहले का आपका निवास प्रमाण पत्र बना होगा तो तुरंत यहाँ पे यस करेंगे तो आपसे उसका मतलब रेफरेंस नंबर पूछेगा, तो आपको याद ही नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लोग का क्या मतलब, तो आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पूछेगा आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पे आपको वहाँ पे रहने देना है। उसके बाद से आपसे पूछेगा राशन कार्ड संख्या, तो यहाँ पे आप चाहो तो डालो या फिर चाहो तो मत डालो, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आपसे पूछेगा संगलक शीर्षक, मतलब कि यहाँ से चुने पे आपको क्लिक करना है सिंपली सा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फोटो आपको एक अपना फोटो देना है, पासपोर्ट साइट, और दूसरा आपको सप्रमाणित घोषणा पत्र। यहाँ पे अगर आपको सप्रमाणित घोषणा पत्र डाउनलोड नहीं करना आता तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो, मैं आपको बताऊँगा आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको प्रिंट करा के निकलवाना है, उसको उस फॉर्म को आपको भरना है। भरने के बाद यहाँ पे आपको फोटो खींच कर यहाँ पे अपलोड करना होता है, तब सिंपली यहाँ पे आपको फोटो पे क्लिक करना है। सबसे पहले फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा अपलोडिंग का, मतलब चूज फाइल का, यहाँ पे क्लिक करके अपना फोटो जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और आपका फोटो जो है 50 KB से ज़्यादा का ना हो। अब अगर आपका कोई भी फोटो है 50 KB से ज़्यादा, तो आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर कंप्रेस फोटो मतलब वेबसाइट ओपन करके आप लोगों ने फोटो का मतलब साइज कम कर सकते हैं, तो आपका फोटो का साइज जो है कि 50 KB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी फोटो है, जैसे यहाँ पे मैं अपने फोटो को सिंपली यहाँ पे आपको फोटो लेकर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा फोटो है, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे ये मेरा फोटो रहा पासपोर्ट साइज, ठीक है, यहाँ पे इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको फोटो का ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन फिर से एक बार क्लिक करो, सॉरी मतलब ऊपर यहाँ पे फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे सौ प्रमाणित घोषणा पत्र आपको अब यहाँ पे देना होगा, यहाँ पे आपको चूज का ऑप्शन फिर से एक बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सौ प्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ से अपलोड करना है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो, ये रहा सौ प्रमाणित घोषणा पत्र, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है अपलोड के ऑप्शन पे, यहाँ पे हमने अपलोड कर लिया। अब देखो ये सभी चीज़ें होंगी, दो चीज़ें यहाँ पे आपको सप्रमाणित घोषणा पत्र और फोटो यहाँ पे अपलोड शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अन्य के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो मतलब क्या बोलते हैं आधार कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, और फोटो अपलोड करते हुए तो यहाँ पे आपको लिख देना है आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। अब फोटो आप लोग जैसे ही अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपको दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दर्ज के ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे पेमेंट के लिए पूछेगा, तो आपको 15 रुपये पेमेंट करना होगा। तो आप लोग UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी चाहो आप लोग उसको मतलब क्या कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मतलब पूरा फॉर्म है जो कि सबमिट हो जाएगा। इससे पहले आप जो कि क्लिक करोगे दर्ज करे पे ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको पूरा रिव्यू दिखाएगी, अगर कोई गलती तो आप लोग फिर से सुधार लो, अगर पूरा सही तो आप क्लिक करके जो है कि अपना पेमेंट वगैरह कर आपका बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। पे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कुल लंबित आवेदन, तो मैंने इस पर क्लिक करना है। आप देखो यहाँ पे मेरा मैंने आवेदन किया है जाति के लिए और आय के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये शो रहा है, और यहाँ पे एप्लीकेशन बट एक्नॉलेजमेंट स्लिप नॉट जनरेटेड, ठीक है। ये मतलब एप्लीकेशन बट आउट ऑफ पेमेंट, मतलब जो भी यहाँ पे आपका दिक्कत यहाँ पे शो होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 29 तारीख को किया था, तो यहाँ पे ये हो चुका है। जैसे ही मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर निरस्त कर देता है मतलब उसको कैब के लेखपाल निरस्त कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको शो होगा निरस्त वाले ऑप्शन में, ठीक है। और अगर आपने मतलब पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पे आपको सेवा शुल्क में वो शो होगा। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने अभी तक जितना भी आपको फॉर्म बताया, अगर उसमें आप लोग बैक आ जाते हो तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिक से ड्राफ्ट में जाकर यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान वाले पे ऑप्शन पे जाकर शो हो जाएगा, जिस पे आप लोग क्लिक करके मतलब उसको फिर से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हो।